लेकिन मैं क्यों उसको वेस्ट करूँ, इसलिए मेरे को लगता नहीं है। ओ ओ भाई साहब, अभी कितना ऊपर और जाना है यार मेरे को, सच्चे में मेरा ऊपर नहीं। इवोकर्स नहीं 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 नहीं, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो यार, जाने दो, जाने दो, जाने दो, नहीं मेरे को जाने दो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ मेरे घर पर। सो गाइस, अभी हो चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन इवोकर्स ने जो कि मेरे एनिमी हैं, उन लोगों ने किडनैप कर लिया मेरे बेस्ट फ्रेंड जगो को। अब उन्होंने किडनैप क्यों करा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, उनके कैसल में जाके उनके सबसे कीमती चीज़ टोटाफॉम अंडाइन चुरा के लेके आ गया था। और मैं कोई एक दो चुरा के नहीं लेके आया था, मैं पूरे के पूरे 5 टोटाफॉम अंडाइन उनसे चुरा के लेके आ गया था वहाँ से, जब वो लोग थे नहीं वहाँ पे। तो अब उन लोगों ने मेरे प्यारे बेस्ट फ्रेंड जगो को किडनैप कर लिया है। ये एक चीज करके उन लोगों ने बहुत गलत चीज कर दी है, और सिर्फ ये एक चीज करके उन लोगों ने बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। अब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी गाइस, तो मेरे को पता चल चुका है उन लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड जगो को कहां पे छुपा के रखा है। वो तो एक बहुत ही वीरान और सुनसान जगह पे छुपा के रखा है, जहां पे गाइस कोई आता जाता नहीं है, और एक बहुत बड़े कैसल के अंदर। और वो कैसल गाइस दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है। लास्ट टाइम मैं वहां पे गया था और वहां से चुरा के लेके आया, उस कैसल के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे 1000 ईवॉकर्स वहां पे पैरा दे रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस, मैंने अपने सारी सीक्रेट बेस, मतलब 2 या 3 सीक्रेट बेस थे मेरे पास, वहां से मैं अपनी सारी की सारी सीक्रेट लूट लेके आ चुका हूँ। यानी वहां पर जितना जो भी सामान मैंने जमा करके रखा था, सबका सब मैं लेके आ चुका हूँ इन शल्कर बॉक्स के अंदर। अब हमारा वो चलना है गाइस यहाँ से फटाफट। मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, थोड़ा मैं मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भूल चुका था कि किस साइड मेरे को जाना है, लेकिन फिर ही मेरे को याद आता है कि मेरे को एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से इनको स्लीप्स को तोड़ता हूँ और इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं एक बार देख लूँगा ना गाइस मेरे को किस साइड जाना है तो सही रहेगा। एक बार मैं यहाँ पर ऊपर आ गया, ठीक है भाई साहब, मेरे को शायद इस साइड जाना है, यहाँ पर लास्ट टाइम आया था। यहाँ से एक बार MLG करने की कोशिश करते हैं गाइस। ऑलराइट, वाटर बकेट ये हाथ में ले ली मैंने। ओके गाइस, यहाँ से MLG, क्या लगता है तुम लोगों को हो पाएगी मुझसे? अगर होगी तो मज़ा। अरे भाई साहब, इतनी गंदी किस्मत है भाई, इतनी गंदी MLG कोई करता होगा क्या? लेते हैं फटाफट। अरे अरे अरे, ये वाटर जोम भी था क्या भाई? मेरे को सच्चे में इनका नाम नहीं पता, बड़ी गंदी आवाज़ है इनकी। ओ वेट, वहाँ पर सामने क्या है गाइस? ये सामने क्या है? मेरे को लगा था यार ये मेरे से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बहुत जल्दी। वाओ, मेरे को लगता है ये कैसल है। लास्ट टाइम जब मैं आया था, जब गाइस ये कैसल इनका नीचे था, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन अभी सच्ची में बहुत ज़्यादा ऊपर इनका कैसल, मेरे को कैसल ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था, वो नीचे ही था। अभी मेरे को कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कोल नहीं होगा तो हम टॉर्च कैसे बनाएंगे? वैसे मेरे पास शायद थोड़ी बहुत टॉर्चेस रखी है, बट ले लेते हैं यार, कोल हमारे काम में आने वाला है। ओ वेट, यहाँ पे गोल्ड है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत और कोल मेरे को मिल चुका है, लेकिन अभी यहाँ से छोड़ देते हैं इसको। अरे डैमेज हो गया ऊपर, मेरे को समझ में आ रहा, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस ऊपर जाने की। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कभी भी कि इन्होंने इतना ऊपर इनका कैसल कर लेंगे ये गाइस। इनके पास बहुत ज़्यादा जादुई शक्ति है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, बस लिटरली कुछ भी कर सकते हैं इससे ये। मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस अभी यहाँ से। एक काम करता हूँ, नीचे देखता हूँ यहाँ पर मेरे को कुछ मिल जाए तो। ओ भाई यार, यहाँ से गलती से भी मैं नीचे गिर गया ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मैं मर सकता हूँ भाई यहाँ से। अगर मैं नीचे गिर गया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर मैं वहाँ से नीचे गिरा। तो अभी मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। एक काम करता हूँ, मेरी चेस्ट में मेरे को एक शल्कर बॉक्स लेता हूँ। अभी मेरे को ब्लॉक्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऊपर मैं इलाइट्रा से नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इलाइट्रा, सच्ची बोलूँ ना गाइस, झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को इलाइट्रा यूज़ करना नहीं आता अभी तक भी, ढंग से होता ही नहीं मेरे साथ, पहले भी मैं मर चुका हूँ काफ़ी बार। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ ये सारे के सारे शल्कर बॉक्स, और अभी मेरे को पता नहीं है गाइस कौन से काम के और कौन से फालतू के। इसमें से फूड ले लेता हूँ थोड़ा, कि अपन को खाने वाने की ज़रूरत पड़ी तो। और इसमें सारे में सब में एक सा सामान है, तो मैं इसको तोड़ता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, हमारे को खाना ही चाहिए था, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब क्या करना है मेरे को? हाँ, मेरे को याद आ गया, मेरे को ऊपर जाना था, तो अब मेरे को सबसे पहले यहाँ से कुछ ब्लॉक्स माइन करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस खाना खा लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने फाइनली थोड़ा भाई मेरा पेट भर भी गया, सच्ची में मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि बस मैंने एक या दो बार ही खाया और मेरा पेट भर गया। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए गाइस। मैंने यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक माइन कर लिए। अब मैंने ये ब्लॉक पता है तुम लोगों को कैसे माइन करें, मैं डायरेक्ट माइन करने नहीं गया, मैंने ऐसे यहाँ पर TNT लगाए। अब इसके बाद डायरेक्ट मेरे पास इसको इग्नाइट करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने लावा बकेट से लावा खाली कर दिया यहाँ पे, और थोड़ी सी देर में गाइस ये जलने लग जाएगा। भाई जलना क्या हो गया, इग्नाइट नहीं हो रहा भाई साहब। चलो चलो, फाइनली हो गया, हमारे पास दूर निकल लेना चाहिए, दूर निकलना चाहिए, वरना अभी हमारे को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और अभी हम डैमेज लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो चुका है बहुत बड़ा खड्डा। भाई कितना बड़ा है ये,
यहाँ से हम सारे के सारे ब्लॉक इकट्ठे कर लेते हैं, और अगर हमारे को ऊपर जाना पड़ा तो हम इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक थी जिसको मैंने यूज़ करके काफ़ी सारे ब्लॉक्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब मेरे को यहाँ से शायद लगता है निकल जाना चाहिए, इसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर डर्ट ब्लॉक ले लेते हैं। और राइट, यहाँ पर डर्ट ब्लॉक रखते हैं पहला, एक दो, ऐसे करते हैं मैं ऊपर जा सकता हूँ बहुत ही आसानी से। ओ भाई साहब, अभी कितना ऊपर और जाना है यार मेरे को, सच्चे में मेरा। ओ बेटे, ओ भाई नहीं, सच्चे में यार मैंने एमएलजी कर दी, वरना मैं मर जाता अभी तो। ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, निकलना पड़ेगा। गलती से कोई मॉब आ गया ना, मेरी हालत टाइट कर देगा, वो मेरी हवा निकाल देगा पक्का पक्का। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, पक्का निकलना पड़ेगा गाइस मेरे को यहाँ से। ये हुआ कैसे भाई, मेरे को समझ में यार। अरे वेट वेट वेट, ज़ॉम्बी, नहीं 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 ज़ॉम्बी, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं गिरा कैसे? ओ बेटे तेरी भैंस की आँख, मान जा बेटा, मत मार, ये लग ही नहीं रहा, इसके हिट ही नहीं हो रहा गाइस। ओ भैंस की, चलो ये भी मर गया, ये तो एक हिट में मर गया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया भाई साहब, मैं गिर कैसे गया इतने ऊपर से यार, ये बहुत गंदी सिचुएशन हो गई। अभी मेरे पास 3 ही हार्ट है, ओ 2.5 बचे हैं, अब 2.5 नहीं, 2.5 3 हार्ट्स होंगे। यहाँ पे पहले पेट भर लेते हैं, बाकी बहुत गंदा गिरा बे मैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं इतना गंदा गिर सकता हूँ यहाँ से गाइस। ओके अब बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, रात होगी तो मैं गाइस सो सकूँ। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और गाइस अब हम वापस ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं गाइस। ओ बेटे मैं गिर कैसे गया बे यार, ये क्या सीन है बे, ऐसे तो मर जाऊंगा, ऐसे तो मैं यहीं मरने वाला हूँ पक्का, मेरी कब्र यहीं कूदने वाली है। भैंस की आँख, और राइट यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और देखना पड़ेगा वहाँ पे ज़ॉम्बी है। अभी हमको और ज़्यादा ऊपर जाना है। ओह क्या बचा हूँ मैं सच्ची में, वरना अभी तो लग जाते अपने। वो देखो तुम्हारे सामने कुछ दिख रहा है, एक सेकेंड, ई वॉकर्स, अगर इन्होंने मेरे को यहाँ देख लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को सबसे ऊपर जाना है। और मेरा प्लान कुछ ऐसा है, जैसे मैं सबसे ऊपर पहुँच जाऊँगा और वहाँ से इन पर अटैक करूँगा। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे एक ई वॉकर मर गया, शायद इनके आपस में लड़ाई हो गई गाइस, बट कोई बात नहीं, और टोटोफोन अनडाइन पड़ी थी। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ मेरे को समझ में आ रहा, मैं सोच रहा हूँ मेरे को वो लेना भी है, और वहाँ पर थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को, पता नहीं गाइस मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से डायरेक्ट मैं ऊपर चले जाऊँ, मैं सोच तो ये रहा हूँ मैं यहाँ से ऊपर चले जाऊँ, लेकिन वहाँ पे एक टोटोफोन अनडाइन पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ वो ले लेते हैं एक। लेकिन मेरे को भी लगता है यहाँ से निकलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रात भी हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाटर बकेट खाली कर देते। ओ वेट एक सेकेंड, वो ई वॉकर मेरे पास ही आ रहा था, उसने मेरे को कहीं देख तो नहीं लिया, अगर देख लिया होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मेरे को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। अरे एक सेकेंड, मेरा ऊपर ही रह गया भाई, मैं पानी कहाँ से लूँगा, मैं वाटर लेके कैसे आऊँगा, क्योंकि वाटर बकेट एक ही है मेरे पास, और यहाँ पे रात भी हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है भैया मैं यहाँ पे साइड में आ गया, मैं ऊपर जाके एक बार वापस वाटर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से नीचे से ले जा रहा था, क्योंकि मैं बेड प्लेस करके पहले सोना जाता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे रात होने ही वाली है, और मेरे पास खाने का सामान भी है। चलो वैसे मेरे को खाने आने की इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बस थोड़ा सा बेड अगर मैं प्लेस कर लूँ ना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, मेरे को बाकी काफ़ी दिक्कत आ रही है, मैंने यहाँ पे वाटर मेरे को खाली नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अगर ई वॉकर ने देख लिया ना मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर रखा मैंने बेड, और मैं यहाँ पे सोने चल जाता हूँ। ना भाई साहब तो जिंदा बचने का सवाल ही नहीं, खैर मेरे पास टोटोफोन अनडाइन है, लेकिन मैं क्यों उसको वेस्ट करूँ, इसलिए मेरे को लगता नहीं है। ओ बेटे, ओ बेटे, ओहो क्या हो गई, What the hell भाई, मेरे से MLG भी नहीं हुई, नहीं यार मेरी टोटोफोन अनडाइन वेस्ट होगी। अरे भाई साहब शिट, बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास टोटोफोन अनडाइन नहीं है। और उसके बाद कैसे मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वापस मेहनत करके यहाँ पे लगाते लगाते ब्लॉक और ऊपर पहुँच जाता हूँ फाइनली। अब मैंने यहाँ पे बैड भी प्लेस कर रखा था, क्योंकि यार अभी मैं नीचे गिर के वापस आया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2 दिन मेरे को वापस लग गए। वहाँ से जाके मैं वापस से नीचे से ये ब्लॉक्स लेके आया, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं थे, तुम लोगों को पता है मेरे पास बहुत कम ब्लॉक्स थे। अरे तू कहाँ से आ गए यार, ये क्या चीज़ है, वेट गया ना नीचे कहीं और तो नहीं है, इन्होंने पहले भी मेरे को एक बार गिरा चुके हैं यहाँ से नीचे। ऑल राइट यहाँ से बड़े ध्यान से आना पड़ेगा, ब्लॉक ब्लॉक लगाते हुए, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल अनडाइन नहीं है गाइस,
इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। एक काम करता हूँ, यहाँ पे वाटर डाल देता हूँ और उससे हम नीचे उतर जाएंगे। मेरे पास बेड भी नहीं है और मेरे पास ज़्यादा ऊन भी नहीं है और यहाँ पे मैं शिप्स को तो मार नहीं सकता, बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता शिप्स मारने की यहाँ पे, क्योंकि शिप्स है ही नहीं यहाँ पे। और मैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए वाटर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एमएलजी तो कोई खास करना नहीं पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से वाटर ले लेते हैं हम। ओके भाई कूदना फटाफट। ऑल राइट मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ गाइस। अब मेरे को देखने हैं यहाँ से अपना जग्गू और वहाँ पे इवोकर्स पे मेरे को नज़र रखनी है, वो लोग है कहाँ पे। वहाँ पे देखो कैसे बैठे हैं, बताता हूँ बेटा तुम्हारे को। मेरे को यहाँ से ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। ऑलराइट अरे वेट, वहाँ पे अंदर नीचे क्या है? वहाँ पे गाइस कुछ तो है, मेरे को देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब वहाँ पे क्या है, ये इवोकर है, एक्सपी पड़ी है और एक शायद वहाँ पे जिससे हम पेट्स को बांधते हैं वो है। कहीं इन्होंने मेरे जग्गू को वहाँ पे रख तो नहीं रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक्सपी क्यों पड़ी है, कहीं इन्होंने मेरे जग्गू को किल तो नहीं कर दिया? अगर इन्होंने ऐसा कुछ करा गाइस तो सच्ची बता रहा हूँ मैं इस कैसल को इतनी बुरी तरीके से उड़ाने वाला हूँ ना, कभी इन इवोकर्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इनके साथ। ऑलराइट मेरे को एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा, क्या इन्होंने मेरे जग्गू को मार दिया है? हाँ गाइस इन्होंने मेरे जग्गू को मार दिया है। यार कितने निर्दयी हैं ये लोग, इनको जरा से भी शर्म नहीं है। वेट तुम्हारे को तो अभी बताता हूँ बेटा, अगर इन्होंने मेरे को कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपी भी पड़ी है और जैसे हम जग्गू को बांध के रखते थे वैसे भी इन्होंने बांध के यहाँ पे शायद रखा है। अब इनको बताना पड़ेगा गाइस। मैं काम करता हूँ यहाँ से, सबसे पहले ये हटा देता हूँ। एक सेकंड मेरे को साइड में आने दो, थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे रख देते हैं हमारा बेड। ऑलराइट यहाँ पे मैंने अपना रिस्पॉनिंग पॉइंट सेट कर दिया है। अब मैं मरूंगा तो यार यहीं पे आके मैं वापस आ सकता हूँ। खैर मेरे को मरने का चांस तो लग नहीं रहा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं मरने तो नहीं वाला, इनको मार के जाने वाला हूँ यहाँ से। इनका भी पूरा पूरा बदला लूँगा और इस कैसल को तबाह कर दूंगा मैं। एक सेकंड मेरे को यहाँ पे नीचे देखने दो, यहाँ पे कितने इवोकर्स हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा हुए तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है उनको मारने में, और कम हुए तो मैं उनसे आराम से निमट लूँगा, क्योंकि इन लोगों ने हरकत बहुत गलत कर दी हमारे जग्गू को मार के। अरे वेट अरे तुम कहाँ से आ गए बे? नहीं ओ बेट बच गया। अरे भैंस के नहीं, इवोकर्स नहीं मेरे को जाने दो नहीं मेरे को जाने दो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ मेरे घर वापस जा रहा हूँ मेरे कैसल में। मत करो गेम लैग। मर गया भाई मैं मर चुका हूँ लिटरली। रिस्पॉन होना भाई, गेम लैग कर रही है गंदी वाली। अरे नहीं ये यहीं पे, ये तुम्हारी भैंस की आंख साला, तुम्हारी वजह से मेरा मिशन फेल हो चुका है गाइस। मिशन अबॉट हम इसको अबॉट करते हैं, अभी हम इसको नहीं करने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक सेकेंड सालो तुम। अरे रे 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 हाँ सही है भाई, ये मर ही नहीं रहे। ओ भाई मैं कहाँ पर आ गया गाइस। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से मैं निकलूँ कैसे? मेरे को एक आइडिया आया, मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है जो मैंने बहुत पहले बनाया था। ऑलराइट जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने वो सीक्रेट रास्ता बनाया था, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी तो मिशन पे। अरे ये इन्होंने मेरे को फिर मार दिया गाइस, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मेरे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है अब। और मेरे को वो याद भी नहीं आ रहा मेरा वो रास्ता किस साइड गया, क्योंकि कैसल इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ना। एक सेकेंड में क्या यहाँ से नीचे जा सकता हूँ? जंप लगानी पड़ेगी मेरे को। वेट ओ भाई अरे यार लग नहीं रही अच्छे से, मैं कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। हा अरे ये यहाँ पे भी आ गए, ये मेरे को पक्का मारने वाले गाइस। बच गया। खैर हेल्थ तो हमारी जा रही है। ओ हो इन्होंने यहाँ पे भी देख लिया मेरे को, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अभी गाइस। अरे व्हाट द हेल मैन, भाई सच्ची में मैं मरे जा रहा हूँ। मेरे को यहाँ से जाके वापस तैयारी करके आनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ से निकलूँ कैसे गाइस मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। नहीं मेरे को ये वोकर छोड़ दो, अब दोबारा मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास कभी, पक्का प्रॉमिस सब, मैं कभी नहीं आने वाला इधर। बच गया यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ, बट वो मेरे को अपना सीक्रेट रास्ता नहीं मिल रहा गाइस। मेरा सीक्रेट रास्ता किधर है यार? ओ भाई वुड तोड़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले टूल्स बना लेता हूँ, टूल्स बना के यहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा। ऑल राइट विलेजर्स इवोकर्स नहीं, मेरे को कुछ भी मत करना। अबे ये तो एक नीचे ही है, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को। ओ बेटे भाई यहाँ से निकलना नामुमकिन है,
मेरा रिस्पॉन तो हो गया है, मेरे को कहाँ जाना है? एक काम करता हूँ, यहाँ से नीचे निकलता हूँ। ओ भाई मेरे को रास्ता याद आ गया, मेरे को रास्ता याद आ चुका है, मेरे को किस साइड जाना है, मेरे को यहाँ से नीचे जाना है। वेट वेट वेट, अब मैं जाऊँ कहाँ से? मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा गाइस वो वाला। ओके ये रहा भाई वो सीक्रेट रास्ता, बच गया भाई, बच गया, यस मैं निकल गया वहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो चुका है अब सच्ची में, नहीं वॉकर्स की वजह से भाई यार। शिट गाइस हमारा मिशन फेल हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम हमारे को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जग्गू को, तो खैर जग्गू तो मर चुका है बट हमारे को इसका कैसल तबाह करना ही अब मेरा मेन मकसद होने वाला है। अब मैं इनका कैसल बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फटाफट कमेंट करके बताओ तुमको यार ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और नेक्स्ट एपिसोड में तो हम तबाही मचाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर।